सदियों से हम ये मानते आए हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, पर पिछले कुछ सालों में विज्ञान में हुई प्रगति ने हमारी इस धारणा को बदल दिया है। आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहाँ पर जीवन फल फूल रहा हो। यही कारण है कि हमारे पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों को ढूंढने के प्रयास दिनों दिन बढ़ रहे हैं। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसी ही नहीं बल्कि हूबहू दूसरी पृथ्वी ही है, और उसमें ऐसे ही शहर, जीव, लोग, सड़कें, गलियां और हमारे समान प्रतिरूप भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस थ्योरी को समानांतर ब्रह्मांड थ्योरी कहा जाता है, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस थ्योरी के पीछे कौन से वैज्ञानिक कारण हैं। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसे यूनिवर्स कहा जाता है, जिसमें यूनि शब्द का मतलब होता है एक। हमारे लिए हमारा ब्रह्मांड केवल उतना ही बड़ा है जितनी दूरी से आई हुई प्रकाश की किरण को हमने डिटेक्ट किया है। पर क्या वाकई में हमारा ब्रह्मांड केवल इतना ही बड़ा है? इस सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड ही केवल एक ब्रह्मांड नहीं है बल्कि ऐसे कई समानांतर ब्रह्मांड हैं। पर यह आखिर हैं कहाँ? इस सवाल का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे चार लेवल्स में बांटा है। इन लेवल्स के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि ये समानांतर ब्रह्मांड आखिर है क्या। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर चीज, वस्तु, स्थान आदि का प्रतिरूप किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद है। हमारे जीवन की हर संभावना जो घटित हो सकती किसी न किसी ब्रह्मांड में वो संभव हो रही होगी। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं किसी दूसरे ब्रह्मांड में, हो सकता है आप ये वीडियो देख चुके हों, और किसी तीसरे ब्रह्मांड में, हो सकता है आपने इस वीडियो के बारे में जाना ही ना हो, या किसी और समानांतर ब्रह्मांड में अभी आप जंगल में रह रहे हों, या फिर हो सकता है आपका जन्म ही ना हुआ हो। यानी कि हर संभावना किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। आपका निर्णय ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है, यानी कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उसी से आपका भविष्य तय होता है। याद कीजिए उस समय को जब आपकी पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में रुचि थी। आपके पास दो विकल्प थे, नौकरी या खेलों में अपना करियर बनाना। आपने नौकरी को चुना जबकि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे। इसी कारण आज आप नौकरी कर रहे हैं और आपके लिए यही सत्य है। लेकिन किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में आपके प्रतिरूप ने खेलों में करियर को चुना होगा, इसलिए उसके लिए वही सत्य है। 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग घटना हुई थी, तभी से प्रकाश का प्रवाहन शुरू हुआ। 13.7 अरब प्रकाश वर्ष के बाद क्या है कोई नहीं जानता। अंतरिक्ष के जिस भाग के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है उसे हबल वॉल्यूम कहा गया, और इस भाग पर शोध चालू है। माना जाता है सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ टूटकर नए ब्रह्मांड बन गए, या फिर कभी दो ब्रह्मांडों के टकराव से एक नया ब्रह्मांड बन गया। इसी आधार पर हो सकता है कि कहीं दूसरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के समान घटना घट रही हो। जाने माने भौतिक वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग ने समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को स्वीकारा था। जो उनका रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था वह इसी विषय पर था। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि हम इस अंतरिक्ष में इस अनोखे ब्रह्मांड के अंतर्गत अकेले नहीं हैं। आगे चलकर इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी और हमारे ब्रह्मांड के समान कई और भी ब्रह्मांड मौजूद हैं। सुनने में समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी भले ही फिल्मों जैसी लगती हो, पर इसका वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिकों ने इसे चार लेवल्स में बांटा है, जिनकी मदद से हम न केवल इन्हें समझ सकते हैं बल्कि ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये समानांतर ब्रह्मांड कहाँ हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चार लेवल्स के बारे में। लेवल 1, हम अभी तक ये नहीं जानते कि स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी के अनुसार ये चपटा है और इसका फैलाव अनंत है। अगर ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि इस ब्रह्मांड के कई प्रतिरूप मौजूद हैं, जिसमें हमारी आकाशगंगा, हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी और यहाँ तक कि हमारा अपना प्रतिरूप भी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को कभी न कभी दोहराना प्रारंभ कर ही देती हैं। इसे समझने के लिए एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 2 अंकों की संख्या है। अगर हम इसकी संख्याओं को अदल बदल कर लिखें तो पाएंगे कि 2 संभावनाओं के बाद समान संख्या रिपीट होती रहती है। इसी तरह ऐसे 3 अंकों की संख्या के साथ करें तो पाएंगे 6 अलग तरीकों से लिखने के बाद वही संख्या फिर से रिपीट होगी। इसका मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर ब्रह्मांड का फैलाव अनंत है तो निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी जैसी दूसरी पृथ्वी जरूर होगी। लेवल 1 के समानांतर ब्रह्मांड से हम शायद कभी ना मिल पाएं,
क्योंकि वो हमसे इतना दूर हो सकता है जहाँ से प्रकाश भी हम तक शायद नहीं पहुँच पाएगा। लेवल टू के समानांतर ब्रह्मांड को जन्म दिया इटर्नल इंफ्लेशन स्टोरी ने। इसके अनुसार कई ब्रह्मांड हैं और सभी एक विशाल बुलबुले में हैं। ये बुलबुले या तो आपस में जुड़कर या अलग होकर नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड अलग बुलबुले में कैद होता है। उनमें भौतिकी के नियम अलग अलग तरह से लागू होते हैं। अनंत ब्रह्मांड होने के कारण यहाँ भी एक दूसरे का प्रतिरूप होने की प्रबल संभावना बनती है। इस लेवल के समानांतर ब्रह्मांड से भी हमारा संपर्क होना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं ही नहीं। लेवल थ्री के समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को जन्म दिया है क्वांटम फिजिक्स ने। माना जाता है कि ये समानांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद है। हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो दूसरे आयाम में मौजूद है। सुनने में भले ही अजीब लगे, पर क्वांटम फिजिक्स के कई प्रयोगों ने ये साबित किया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक समय में कई स्थानों पर मौजूद हो सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने तो इन्हें कई स्थानों पर होना सिद्ध भी किया है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी तो इन्हीं से मिलकर बने हैं, तो फिर हमारा एक समय में कई आयामों में होना संभव क्यों नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आपका हर प्रतिरूप इसी दुनिया में आपकी हर संभावना को सच कर रहा होगा। आपको पता भी नहीं चलता और आपका हर निर्णय आपको अलग आयाम में भेजता है, और वहीं आपकी जिंदगी आपके लिए सच बन जाती है। लेवल थ्री के समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी से हम ये भी समझ सकते हैं कि भूतकाल में समय यात्रा करना क्यों असंभव नहीं है। मान लीजिए आप समय यात्रा करके भूतकाल में चले जाते हैं और वहां जाकर खुद को ही मार देते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप तब भी जीवित बचेंगे। इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि भूतकाल में आपने जिसे मारा वो आप नहीं बल्कि आपका प्रतिरूप था। उसकी मृत्यु उस समानांतर ब्रह्मांड में हो जाएगी, पर उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि आप दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में जी रहे हैं। लेवल फोर का समानांतर ब्रह्मांड मैथमेटिकल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर आधारित है और पहले तीनों लेवल्स का कंबाइंड फॉर्म है। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग गणित हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि गणित के अस्तित्व के लिए मनुष्य का होना जरूरी हो। क्योंकि हमारे पास अभी तक समानांतर ब्रह्मांड होने के ठोस प्रमाण मौजूद नहीं हैं, यह महज एक थ्योरी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पर वैज्ञानिक इसकी सच्चाई को जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा ही एक प्रयास का नाम है द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। इसमें माइक्रो पार्टिकल्स को आपस में टकराया जाता है। फर्मिलैब में ऐसे ही एक प्रयोग से एक ऐसे पार्टिकल का पता चला है जो गुरुत्वाकर्षण कैरी करता है। इसे ग्रेविटॉन नाम दिया गया है। ये पार्टिकल अचानक कभी गायब हो जाते हैं और कभी प्रकट हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पार्टिकल हमें दूसरे आयामों के बारे में बता सकते हैं, पर इन्हें उत्पन्न करना और इनकी निगरानी करना काफी मुश्किल काम है। हम सपने क्यों देखते हैं और उसमें क्या देखते हैं? वैसे तो इस सवाल के कई जवाब हैं। कोई भी जवाब हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में कई लोग ये मानते हैं कि सपने में हम अपने समानांतर ब्रह्मांड के जीवन को देखते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।